हेलो। हाँ जी, राधे कृष्णा जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो आज गाऊंगी मैं आई क्लू, जो कि मेरे मायके में मशहूर पकवान है। और यहाँ पर हमारे चावल दाल ही बनाई जाती है ज्यादातर त्योहारों में, और कोई मतलब चिलड़ू वगैरह बना देते हैं। पर मेरे मायके में जैसे दिवाली के दिन या त्योहारों के दिन आइकलू बनाए जाते हैं। तो हमारे यहाँ पर वो निथी चौंसी बोलते हैं जिसको। तो आज ले आई हूँ मैं चौंसी, मैं दिखाती हूँ आपको। ये है चौंसी, आज ही लाई मैंने बाजार से। और मैं बनाऊंगी चिलड़ू। और ये है आटा, ये चावल का आटा है। और इसको इसमें थोड़े से वो डाले थे, माँ और चावल और माँ मिक्स करके पीसा था ये आटा। तो इसको भी दिखाऊंगी मैं आपको। और चॉइसी मैंने दिखा दी, तो मैं लगा लेती हूँ इसके ऊपर मिट्टी। बाहर से मिट्टी लगानी पड़ेगी, तो मिट्टी लगा लेती हूँ, तब मिलती हूँ आपके साथ। तो ये देखिए मैंने लगा दी इसमें मिट्टी उल्टी तरफ से, क्योंकि ये जलती है फिर। तो इस छा देखो, तो यह है चावल का आटा, और इसमें थोड़े से महा मतलब उड़द के दाने डाले थे। तो चावल और उड़द के दाने डालकर पीसा था ये आटा, तो इसके बहुत ही टेस्टी और अच्छे बनते हैं। और ये देखिए मैंने इसको छान लिया, अभी हम थोड़े से ही बनाएंगे। आपको पता है कि हमारे गांव में भागवत लगा है, और वहां पर भी दिवाली का दिन है आज, तो उन्होंने भी मिठाइयाँ वगैरह बनाई थी। और आज हम वहां पर जा नहीं सके, क्योंकि हम गए थे शॉपिंग करने बाजार में। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। और अभी जल्दी जल्दी मैंने सोचा कि आज त्योहार का दिन है, तो शुभ दिन अच्छे माने जाते हैं बनाने पकवान, तो इसलिए थोड़ा सा बनाऊंगी। और वैसे तो हम नीचे से भी दिए थे हमारे को सब्जी वगैरह, तो इसको घोल लेती हूँ मैं। तो ये देखिए मैंने आटा घोल लिया है अच्छे से, और कप ये देखिए मायके में बनाया करते थे कभी, और अब तो मैं भूल भी चुकी हूँ। और मायके में सबसे ज्यादा मैं ही बनाती थी, और शौकीन भी थी बनाने की। तो मायके में मैं गई नहीं, भागवत लगा था हमारे यहाँ पर। तो जैसा एक दिन हुआ था कि बसें वगैरह भी छूट जाती है, और आज दिवाली के दिन 12 बजे तक की बसें चल रही थी, तो फिर इसलिए मैं मायके नहीं गई। तो जय हो भगवान की। पहली बार पकाया अपने चूल्हे पर, पता नहीं आप भूल भी चुके हैं कैसे कैसे पकाते हैं। देखिए चॉइसी मेरी अच्छे से गर्म हो चुकी थी, और मैंने इसमें डाल दिया कप से घोला हुआ आटा। तो मैं जल्दी जल्दी मैं भूल गई, और मैंने इसमें तेल नहीं लगाया। पहले इसमें तेल लगा लेते हैं और फिर डालते हैं आटा। तो पहले वाला प्राव मैंने दे दिया अग्नि देवता जी को, इनको हम अपनी भाषा में बसंतर देवता जी बोलते हैं। तो क्योंकि यही हमारा खाना, हर रोज हम चूल्हे के ऊपर बना हुआ खाना खाते हैं, और बोलते हैं कि जो भी हम चीज़ बनाते हैं चूल्हे के ऊपर, तो उसकी आहुति ज़रूर देनी चाहिए।
बसंतर देवता जी को। तो पहले पहला प्राव मैंने दे दिया और देखिए दूसरी बार डाला था मैंने आटा, तो ये बने थे अच्छे से दूसरी बार और जल्दी जल्दी में बनाए हैं मैंने, क्योंकि हमने जाना था वहाँ पर नीचे जहाँ पर हमारे गांव में भागवत कथा लगी है। तो हम शाम को भी हर रोज़ जाते हैं और वहाँ पर कीर्तन भजन सभी गांव के लोग इकट्ठा होकर कीर्तन भजन करते हैं। तो वहाँ पर जाने की जल्दी लगी थी मुझे और मैंने जल्दी जल्दी में ही मैंने सोचा कि आज शुभ दिन है तो शुभ दिन के दिन बनाना चाहिए पकवान, तो थोड़ा सा बना देती हूँ। वैसे तो हम नीचे मैं तो गई नहीं थी, पर जैसे बच्चे गए थे और गए थे हमारे परिवार के, तो ये नीचे से ले आए थे सब्जियाँ। और ये देखिए आइकलू मेरे अच्छे से पक चुके हैं, इनके इसके ऊपर ढक्कन भी होता है चौंसी के ऊपर, पर वो अभी है नहीं हमारे पास क्योंकि इसको भी मैंने आज ही लाया है। और यहाँ पर हमारे चौंसी के ऊपर बनाते भी नहीं है ज़्यादातर लोग, तो मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। इनको हम घी के साथ, घी और शक्कर के साथ भी खा सकते हैं, और जैसे उड़द की दाल होती है तो उसके साथ भी खा सकते हैं, और दूध के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं। आप भी एक बार ज़रूर बनाइएगा। तो ये देखिए इनको मैंने निकाल लिया और अब मैं दूसरी बार फिर से लगी थी बनाने। तो ऐसी वीडियो भी जल्दी जल्दी में बनाई है मैंने, और बच्चे भी इनका भी मन नीचे ही था और मैं भी ऐसा सोच रही थी कि हम लेट हो जाएंगे, तो तीन चार पराव बनाए मैंने और फिर हम तो अभी इसको ब्रश जैसा बनाना पड़ता है, पर वैसा भी कुछ नहीं बनाया मैंने। जल्दी जल्दी से थोड़ा सा वो लगाया कपड़ा इसमें लकड़ी में, क्योंकि ज़्यादा तेज आंच लगी थी तो हाथों में सेक लग रहा था, तो मैंने कपड़े का ही बनाया ये, और इससे मैं तेल लगा रही थी। और देखिए कल्पना मेरे साथ करा रही है मेरी हेल्प, तो सिलाई होती है तो इससे निकालते हैं इनको, सिलाई जैसे बुनने की सिलाई होती है तो इनसे निकालते हैं। और ये देखिए बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये, तो भारती यहाँ पर भगवान जी को भोग लगा रही थी तो इसने ले लिया है घी और शक्कर। और फर्श को इनवाइट कीजिएगा क्योंकि इन्होंने अभी बर्तन ही बर्तन फैलाए हैं चारों तरफ। तो देखिए इसने पहले शक्कर डाल दी थी और अब घी डाल रही है, तो ये मैंने थोड़े से इसको पकवान डाल दिया इसमें, और अब ये भोग लगाएंगी लक्ष्मी माता जी को। इनके साथ बहुत ही टेस्टी होते हैं घी और शक्कर के साथ। तो वे लास्ट बचा था तो इसके ऊपर मैंने एक ही रखा था, क्योंकि भूखा नहीं उठाते हमारे तवा हो या कोई भी चीज़ हो तो चूल्हे से भूखा नहीं उठाते, तो एक मैंने इसके ऊपर रखा था। और अब मैंने इसको नीचे उतार लिया, तो अब मैं फिर से आहुती कर रही हूँ भगवान जी को घी और शक्कर और पकवान के साथ। मैंने थोड़ा थोड़ा कैप्चर किया है क्योंकि फिर नीचे जाने की जल्दी जल्दी लगी थी, तो ऐसे ही जल्दी जल्दी मैं थोड़ा थोड़ा कैप्चर किया और आधा कैप्चर करने को रह गया था। तो ये हमारे यहाँ पर भगवान जी है,
अभी ये मंदिर को ऊपर ही ले आई थी भारती, क्योंकि जल्दी जल्दी में, वैसे हम नीचे कमरे में रखते हैं, पर जल्दी जल्दी लगी थी तो यहाँ पर ही हमने जोत भी जलाई और धूप भी जलाया और भगवान जी को भोग भी लगाया। तो ये है हमारा प्यारा सा मंदिर। और फिर तो ये देखिए, ये बच्चे यहाँ पर दरवाजे के पास दीपक जला रहे थे, तो भारती ने ही थोड़ा थोड़ा कैप्चर किया है। सभी दरवाजों के पास ये दीपक जला रहे थे। और ये देखिए नीचे उन्होंने, पहले जलाए थे इन्होंने, बुझ चुके थे क्योंकि हवा लगी थी बहुत ज़्यादा तेज़। तो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय लेने के लिए धन्यवाद। अब मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इन्होंने चप्पल खोली है दरवाजे के पास, तो इनको इनवाइट कीजिएगा। और राम राम, जय माता दी। तो मैंने जल्दी जल्दी में पता नहीं क्या क्या बोल दिया, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया होगा तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। और ये जला दिए इन्होंने दरवाजे और खिड़कियों के पास दीपक, और अभी जाएंगे जिसको हम अपनी भाषा में दयाला बोलते हैं, तो दयाला देने के लिए। ये देखिए वो है मिट्टी का, जिसको हम अपनी भाषा में देवठी बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं फिर से इनके पास भोग दे रही थी और ये जाएंगे दयाला बोलते हैं हम अपनी भाषा में, घास के पुल्ले ले जाएंगे और फिर वहाँ पर पटाखे भी चलाएंगे और भोग भी लगाएंगे भगवान जी को। तो ये देखिए सभी चले गए थे, पूरे परिवार के सभी, मतलब बच्चे गए थे और देवर जी और जेठ जी गए थे इनके साथ। तो इन्होंने देखिए यहाँ पर आग जलाई थी, तो ये भारती ने थोड़ा थोड़ा कैप्चर किया है। और मैं घर में ही थी, तो हम इसके बाद जाएंगे नीचे, भागवत में गए थे तो जल्दी जल्दी में हमने थोड़ा थोड़ा कैप्चर किया है। यहाँ पर इन्होंने, मतलब यहाँ पर आग के पुल्ले लेते हैं और उनको जलाते हैं, फिर उसमें जो हम भोग ले जा रखते हैं उनको देते हैं। और ये देखिए यहाँ पर इन्होंने अनार चलाए और बहुत ही ज़्यादा मस्ती की दिवाली के दिन। तो ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए सभी अलग अलग चला रहे थे, तो भारती ने ही थोड़ी थोड़ी वीडियो बनाई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। अब मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।